एबीसी न्यूज चैनल का रस्मी तौर पर होया उद्घाटन। मानयोग स्पीकर के पी राणा ने मुख मेहमान के तौर पर की शिरकत। देश भर के कोरोना ने बचाया कहा मरीजों की गिनती हुई 5,85,000 तो पार। एक दिन के 18,235 नवे मामले। एक्टिव मामलों की गिनती हुई 2,20,388। जगजीत सिंह जौहल के विवादित टिप्पणी से पड़ के सरूपचंद सिंगला कहा सिद्ध करो राजनीति छड़ देंगे। आबकारी विभाग और जलंधर पुलिस की लापरवाही ने पाई बलदीप की जान खतरे के विच। अपनी गलती तो मुकरे दोवें विभाग। पंजाब विधानसभा विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा ने घेरी पंजाब सरकार कहा कमजोर विद्या नीति के कारण हो रहे ने लोग परेशान। कांग्रेस सेवा दल आगू लीला वर्मा ने कांग्रेसी हाईकमांड से लगाए नजरसानी के दोष कहा कांग्रेस को कमजोर कर रहे ने वड्डे आगू। उद्घाटन किया गया जिथे मानयोग स्पीकर विधानसभा के पी सिंह राणा मुख मेहमान के तौर पर शिरकत की। फुल खिड़ते ने जो मुस्कुराते हो, फुल खिड़ते ने जो मुस्कुराते हो, चार चंद लग जाते ने जिथे तुसी जांदे हो। उस मंच की शोभा दे की कहने, उस मंच की उस महफिल की शोभा दे की कहने जिथे तुसी मेहमान बन के आंदे हो, जिथे तुसी मेहमान बन के आंदे हो। पीबीसी न्यूज के नाम एक वेब बेस्ड न्यूज चैनल की शुरुआत करने जा रहा है। बहुत जरूरी हो जाता है कि पीबीसी न्यूज आखिर है क्या, ये किसका वेंचर है, किसका भाग है। तो बीबीसी न्यूज पालको ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है। पालको ग्रुप मल्टीपल बिजनेसेस में डील करता है और पालको एडवर्टाइजिंग हमारे बिजनेस सेंटर में से एक है। पालको एडवर्टाइजिंग अपने क्लाइंट्स के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया की सर्विसेज भी प्रदान करता है। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपब्लिक डे प्रोग्राम में 26 जनवरी 2005 को बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड के साथ भी सम्मानित किए जा चुके हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि हमारे गेस्ट के लिए, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। थैंक यू सो मच। सरकारियों पीवीसी चैनल के फाउंडर सरदार सतपाल सिंह कटारिया, पीवीसी परिवार के सारे मैंबर, मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ और थानू बधाई दिना है कि तुसी बहुत देर तो मीडिया की दुनिया नाल जुड़े हो और पिछले 25-30 साल तो मैं लगातार कटारिया साहब नू मीडिया च कम करदे ने देखिया और बड़े सुचजे ढंग नाल इन्होंने मीडिया च अपनी भूमिका निभाई। तो मैं थोनू मुबारकबाद दिना, थोड़ा इस गल लई भी धन्नवादी है कि तुसी मेरी रिक्वेस्ट मान ली। मैं थोनू कहा था भी आ तां जाऊंगा पर कट ना करियो, बहुता गवर्नमेंट दी गाइडलाइंस दे मुताबिक कम करना है। ते मीडिया दा जमाना है, बहुता कट ना भी करो, मीडिया राही थोड़ी गल लोकां च पहुंच जाती है। क्योंकि कटारिया साहब दा बड़ा लम्मा तजर्बा है, कई चैनलां च उन्होंने कम किया, कई अखबारां च कम किया। बधाई मैं इस गल की दिना कि अज तक पिछले 30 साल किसी किस्म का दाग नहीं लगन लगा। बड़ी साफ सुथरी जर्नलिज्म और पत्रकारिता जी इन्होंने की है। इस करके मैं कटारिया साहब थोड़ा बधाई देना आया। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों तह दिलों धन्यवादी हाँ जिन्होंने मेरी बेनती प्रवान करते हुए मैं माण बख्शिया, मेरा मैनू माण बख्शिया ते ध्यान दी खेचल गई। नाल ही ये उम्मीद भी करता हाँ कि इन्हों का आशीर्वाद मेरे ते हमेशा बनया रहे। मैं उस परमात्मा तो जिथे शुक्रगुजार हाँ उत्थे ही अपने परिवार परिवार के मैंबर दोस्तों अपनी पूरी टीम का भी दिलों धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने मैं ये चैनल चलाने उत्साहित किया, विराजमान होने का मौका दिया।
पूरे देश दे विच पैर पसार चुके कोरोना की भयानक बीमारी दिन प्रतिदिन होर भयानक होंदी जा रही है ते इसका कहर रुकन दे विच नहीं आ रहा। इस तहत इस बीमारी ने एक ही दिन दे विच तोड़िया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटिया दे विच 18,235 नवे मामले जबकि 12,568 मरीज सेहतयाब होए अते 506 मरीजों इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त दे विच जकड़ लिया। कोरोना की भयानक बीमारी का कहर पूरे देश दे विच दिन प्रतिदिन वधदा जा रहा है। सेहत विभाग दी भरपूर कोशिशों के बावजूद हर नवी सवेर दे नाल मरीजों की गिनती भी वधदी जा रही है। देश भर दे विच हुण तक सामने आए मरीजों की गिनती 585,703 हो गई है जो कि एक रिकॉर्ड है। जिन्हां दे विचों 2,20,388 एक्टिव मामले ने जबकि 17,410 मरीजों की हुण तक मौत हो चुकी है। भावे दिन प्रतिदिन देश दे विच वधदे जा रहे अंकड़े एक चिंता का विशा बनते जा रहे हैं पर इस दे नाल ही देश दे विच सेहतयाब होने वाले मरीजों की गिनती सेहत विभाग दीआं सफलतावां दी प्रतीक है। हुण तक देश दे विच 3,47,839 मरीज ठीक हो चुके हैं अते एक दिन दे विच ही 12,568 मरीज ठीक होए ने। दूजे पासे पंजाब दे विच बीते 24 घंटिया के दौरान 195 नवे मामले सामने आए जिस दे नाल हुण राज दे विच एक्टिव मरीजों की गिनती 1,557 हो गई है। हुण तक पंजाब दे विच 144 मौतां हो चुकियां ने जिन्हां दे विच 6 होर मौत दे मामले सामने आए। इसी तरह राजधानी चंडीगढ़ दे विच 6 नवे मामले सामने आए ने जबकि गुआंढी राज हरियाणा दे विच 338 नवे मामले सामने आए जिस दे नाल एक्टिव मरीजों की गिनती 4,340 हो गई है। हुण तक 9,972 मरीज सेहतयाब भी हो चुके ने अते 236 मरीजों की मौत हो गई है। इसी तरह गुआंढी राज हिमाचल दे विच 11 नवे मामले सामने आए अते एक्टिव मरीजों की गिनती 356 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीसी न्यूज़ चंडीगढ़। कोरोना की भयानक बीमारी का कहर देश के नाना पंजाब दे विच भी अपने असर विखाउंदा जा रहा है ते हर नवी सवेर पंजाब दे लई भी भारू हुंदी जा रही है ते सेहत विभाग दीआं लख कोशिशां दे बावजूद भी हर रोज़ पंजाब दे अंकड़ियां दे विच भारी वाधा हुंदा जा रहा है। कोरोना की भयानक बीमारी का कहर देश के नाना पंजाब दे विच अपने असर विखाउंदा जा रहा है ते हर नवी सवेर पंजाब दे लई भी भारू हुंदी जा रही है। सेहत विभाग दीआं लख कोशिशां दे बावजूद भी हर रोज पंजाब दे अंकड़ियां दे विच भारी वाधा हुंदा जा रहा है। इसे तहत बीते 24 घंटिया के दौरान पंजाब दे विच 150 नवे मामले सामने आए जिस दे विच अमृतसर 7, लुधियाना 45, जलंधर 26, संगरूर 22, पटियाला 3, मोहाली 11, गुरदासपुर 1, पठानकोट 5, होशियारपुर 4, नवांशहर 1, फतेहगढ़ साहब 9, रोपड़ 1, मोगा 7, बठिंडा 2 अते कपूरथला तो 6 मामले सामने आए। हुण तक पंजाब दे विच मरन वालियां दी संख्या 144 हो चुकी है अते 24 घंटिया दे विच मरन वालियां दी संख्या 6 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीसी न्यूज़ चंडीगढ़। कांग्रेसी आगू जज सिंह जोहल दे वल्लों बठिंडा दे विच इक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनी छेड़ दित्ती जिस तों बाद साबका विधायक सरूप चंद सिंगला ने गुस्से दे विच आ के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अते जयजीत सिंह जोहल नूं खरियां खरियां ही नहीं सुनाईयां बल्कि इक चुनौती भी दे दित्ती। बठिंडा दे विच साबका विधायक सरूप चंद सिंगला पूरे गुस्से दे विच मीडिया सामने आए अते कांग्रेसी आगू जयजीत सिंह जोहल नूं खरियां खरियां सुनाईयां। सरूप चंद सिंगला ने बीते दिनी जयजीत सिंह जोहल दे वल्लों उन्हां ते लगाए गुंडागर्दी टैक्स वसूलन दे दोष नूं सिरे तों नकारदिआं कहा कि जोहल अते मनप्रीत बादल किते वी इस दा सबूत दे देण तां उह सियासत नूं छड्ड देणगे परंतु मनप्रीत बादल दे करीबी खुद इहो जिहीआं धक्केशाहीआं कर रहे ने। उत्थे कसीनो चल रिहा 5 to 7 lakh रुपया 5 to 7 lakh रुपया बेनती नहीं बेटा 5 to 7 lakh रुपया फीस ले जाई जा रही है ते उत्थे जिहड़ा उस एरिए नूं इंस्पैक्टर लाया गया कोतवाली का इंचार्ज लाया गया ਉਹ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਨੋ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब विधानसभा के विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा ने संगरूर दे विच पत्रकारां दे सामने SGPC दे विच हुंदे कपलियां दी जांच करवाउण दी मांग कीती। नाल ही लुधियाणा दे विच गुरु नानक देव मोदी दवाखाना दे मामले ते पंजाब सरकार नूं नसीहत दित्ती कि पंजाब दे विच दवा माफिया ते शिकंजा पाया जावे ताकि आम लोकां दी लुट खत्म हो सके। हाईकोर्ट दे वल्लों फीसां संबंधी दित्ते फैसले ते हरपाल सिंह चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करदिआं कहा कि सरकार दी इस दे विच कमजोर सिक्ख्या नीति खुल के सामने आ रही है। पर लेकिन मोटे रूप में गल बड़ी स्पष्ट आ कि पंजाब सरकार पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर कैप्टन साहब बुरी तरह फेल होए ने गे साडे पंजाब के विद्यार्थियों का भविख में प्रोटैक्ट करने भविख में सुरक्षित करने बड़ी हैरानी की गल आ कि जिहड़ा रिजर्व फंड पियागा जिहड़ा स्कूलों का रिजर्व फंड पियागा सरकार ने वो रिलीज़ क्यों नहीं किया। सरकार ने जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट दी जिहड़ी बसा ने गियां खास तौर पर स्कूलों दी बसा ने जां छोटे वहीकल ने उन्हां दा टैक्स क्यों नहीं माफ़ किया। तो दूजा हैगा इलैक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े बिल जिहड़े स्कूलों नूं भेजे गए हैं जदकि स्कूल बंद रहे ने गे वो क्यों नहीं माफ़ किए। जेकर सारिया चीज़ां माफ़ कर दी स्कूलों नूं सरकार तो मैं समझदा बच्चों की बोझ पैणा अगे जाके वो सारा बोझ घट जाना सीगा। सो सरकार ने अपनी तरफ तो कोई काम नहीं किया बल्कि ये मैटर नूं हाईकोर्ट दे विच ले जा के जिहड़ा हैगा लै गए। सो इत्थों पता लगदा कि सरकार कितनी नलायक आ। संगरूर तो PBC न्यूज़ दे लई कीर्तिपाल दी रिपोर्ट। कि पंजाब दे विच कांग्रेस दे अंदर कुछ सही नहीं है, इहो जिहा ही माहौल उदो पैदा हो गया जदों अमृतसर दे विच कांग्रेस सेवा दल दे आगू लीला वर्मा ने कांग्रेस दे आगुआं ते ईमानदार वर्करां नूं नज़रअंदाज़ करन दा आरोप लगा दित्ता। अमृतसर दे विच कांग्रेस नूं मजबूत करन वाले कांग्रेस सेवा दल दे आगू लीला वर्मा हुण कांग्रेस दी लीडरशिप तों नाराज़ चल रहे ने। इह दावा उहनां ने खुद मीडिया दे सामने करदिआं कहा कि बीते दिनी मोदी सरकार दे खिलाफ प्रदर्शन करन वेले अमृतसर जिले दी कांग्रेस हाईकमांड ने कांग्रेस सेवा दल दे वर्करां नूं नज़रअंदाज़ कीता है, जिस दे नाल काफ़ी समय तों कांग्रेस नूं मजबूत करन दे लई मेहनत करन वाले कांग्रेस सेवा दल दे वर्करां दे हौंसले निराशा दे विच तब्दील हो गए ने। उहनां कहा कि वड्डे कांग्रेसी आगुआं दी इह नज़रसानी कांग्रेस कमजोर ही नहीं कर रही बल्कि खात्मे वल ले जा रही है। मैं सारियां नूं इहो हिदायत करांगी अपने अपने स्थान ते रह के इहदा पुतला साड़िया जाए, डीजल दे बारे च जिहड़ियां वधियां होईयां कीमतां ने इहनां नूं घट कीता जाए। धन्नवाद। कांग्रेस सेवा दल नूं कितना कितें पिछे पाया जा रहा है। अज कांग्रेस सेवा दल दा मैं बैनर्स लिया के इत्थे टंगिया तां जिहड़ा प्रधान सी उहनां ने इस नूं ला दित्ता और कहा इत्थे कोई इहदी लोड़ नहीं हैगी, उन्होंने ला के परां सुट दिता गया सी। मैं अपनी हिम्मत दे नाल इहनूं टंगिया और ओजला भाजी नूं दस्सिया कि भाई तुसीं किसे वक्त सेवा दल दा नाम लिया करो। सेवा दल एक पंजाब क्या हिंदुस्तान दी सेवा दल कांग्रेस दी रीढ़ दी हड्डी है जिहड़ा कि कोई ना ही नहीं लैंदा। अमृतसर तों PBC न्यूज़ दे लई गुरिंदर सिंह दी रिपोर्ट। आबकारी विभाग ते जलंधर पुलिस दी लापरवाही जो कि एक आदमी दी जान लै सकदी सी, इह लापरवाही मीडिया दे सामने आउण तों बाद हुण दोवें विभाग अपनी जान बचाउण दे लई अलग ही अलाप लैंदे नजर आए। आबकारी विभाग अते जलंधर पुलिस ने नशे खिलाफ छेड़ी मुहिम उस वेले विवादां दे विच आ गई जदों एक शक दे आधार ते एक गोदाम नूं सील कर दिता गया, परंतु इस गोदाम नूं सील करन वेले इन्हां विभागां ने यह भी नहीं देखिया कि गोदाम दे विच कोई आदमी तां नहीं है। यह लापरवाही बलदीप सिंह दे लई भारी पै गई जदों उसनूं गर्मी दे माहौल दे विच 5 घंटे कैदी बन के अंदर रहना पै गया। आखिर बलदीप ने अपने दोस्त नूं फोन करके अपनी जान बचाउण दी गुहार कीती। दोस्त दे वल्लों दित्ती पुलिस नूं सूचना तों बाद फिर किते जा के बलदीप दी जान ये उदों भी उन्होंने नाल सी हुण भी उदों इन्हें 57 भी मैंने सेंटरी वाली दुकान तो चक्के मेरे 57 पाती मंगत राम जिहड़ा हैगा SI अज जिहड़ी कार्रवाई की सी किहदे वल्लों कीती गई है। ये इन्होंने आ जिहड़ा ऐनकां वाला इन्हें रखिया शटर खुले जे रख के थले करके इन्हें ताला लाता बर मेरा तो ताला ही नहीं कोई मैं कहता इदा रेड पार्टी आ जाए मैंने धक्का मार के अंदर सुट के बाद चुना ने बारू ताले मारते बाद पुलिस भर गई। हाँ अंदर पेटी लगे लुटन शराब की और पहला भी ऐदा कई बार हो चुकिया। बंदे जी अभी भाटिया साहब कहने वो मेरे ख्याल बंदे अंदर 3-4.5 घंटे हो गए। पुलिस और आबकारी विभाग की यह लापरवाही भावें बलदीप की जान लै सकती सी परंतु उसके दोस्त की मदद के नाल यह वड्डी घटना होने तो बच गई, पर दूजे पासे दोवें विभाग अपना आपा बचाते हुए यह कह रहे सन कि अंदरों तो कोई निकलिया ही नहीं। बिल्कुल नहीं जी किसी के दबा अंडर नहीं किया गया, शिकायत आई थी जी इतने नजायज शराब बिकती है उसके करके कार्रवाई हुई है। इंस्पेक्टर साहब फोन करो सर वो आके आने स्थिति देखने जे बंदा कढ़ना अंदर तो कढ़ सकते हो सकता बंदा मर भी सकता सर अंदर गर्मी करियो सर फोन उन्हें। ब्यूरो रिपोर्ट PBC न्यूज जलंधर। PBC न्यूज चैनल का रस्मी तौर पर होया उद्घाटन, मानयोग स्पीकर KP राणा ने मुख मेहमान के तौर पर की शिरकत।
देश भर कोरोना ने बचाया कहा है मरीजों की गिनती हुई 5,85,000 तो पार एक दिन के आए 18,235 नवे मामले एक्टिव मामलों की गिनती हुई 2,20,388। जगजीत सिंह जौहल के विवाद टिप्पणी से पड़ के सरूप चंद सिंगला कहा सिद्ध करो राजनीति छड़ देंगे। आबकारी विभाग और जलंधर पुलिस की लापरवाही ने पाई बलदीप की जान खतरे के अपनी गलती तो मुकरे दोवें विभाग। पंजाब विधानसभा विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा ने घेरी पंजाब सरकार कहा कमजोर विद्या नीति के कारण हो रहे हैं लोग परेशान। कांग्रेस सेवा दल आगू लीला वर्मा ने कांग्रेसी हाईकमांड से लगाए नजरसानी के दोष कहा कांग्रेस को कमजोर कर रहे ने वड्डे आगू। इन्हां खबरां दे प्रयोजक हन गिलको ग्रुप मोहाली तुहाडे लई लेके आए हन प्यार दीआं इमारतां सच दी बुनियाद ते। देश ते दुनिया दे नाल जुड़ियां तमाम नवीं खबरां वेखण दे लई बने रहो पीबीसी न्यूज़ चैनल दे नाल ते मैनूं दिओ इजाजत धन्नवाद।